पुढची बातमी उल्हासनगर मधून आहे. क्रिकेट मॅच वर सट्टा लावणाऱ्या 5 बुकींना ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केली आहे. या 5 बुकिंग पैकी दिलीप मिश्रा हा उल्हासनगर मधील नामांकित पत्रकार आहे. उल्हासनगर मधील प्रसिद्ध व्यावसायिक कमल भटीजा यांनी दिलेल्या माहितीनंतर ठाणे क्राईम ब्रांचने दिलीप मिश्राच्या कल्याण योगीधाम येथील राहत्या घरी धाड टाकून ही कारवाई केली आहे. या संपूर्ण प्रकारात उल्हासनगरचे व्यावसायिक कमल भटीजा यांनी या सट्टा बाजारांचा काळा कारभार उघडकीस आणण्यात पोलिसांची मदत केली. इधर पप्पू कॉलोनी का बेटा सन उमी कॉलोनी इधर बहुत लड़कियां लेके आता है अलग अलग भाड़े पे कमरे लिए हुए उसके और इधर जुआ का अड्डा चलता है. हम पहले भी एक दो बार कंप्लेंट कर चुके हैं ये पुलिस में. हम यहाँ से बहुत परेशान हैं. प्लीज उसकी कोई सुविधा करो और इधर निकालो. और उसके साथ मिले हुए जो आदमी लोग हैं रोशन माखीजा पंकज सलोगानी अजीत माखीजानी ये लोग भी आते हैं अलग अलग रूप में लड़कियां लेके. हम लोग उन लोगों से बहुत परेशान हैं. हम उल्हासनगर शहर छोड़ के इधर रहने हैं जैसे कि हमको यहाँ पर सुख मिले लेकिन इधर इधर भी आते हैं तो इधर भी वही कांड है सब उन लोग के. तो उतना बड़ा उल्हासनगर का क्राइम हुआ है. उल्हासनगर में भी क्राइम चलता है पूरा टाइम. तो प्लीज़ यहाँ पर कोई पुलिस प्रोटेक्शन करो कुछ करो ये बिल्डिंग का. इधर बहुत हम बड़े बिल्डर से शिकायत की थी आपने? बिल्डर से सर शिकायत नहीं की थी. इन लोगों से कौन लड़ेगा? अगर हम लोग इन लोग को कुछ बोलेंगे तो ये लोग हम लोग को मारने की. पुलिस से कंप्लेंट की थी आपने? पुलिस को भी एक बार हम लोगों ने बोला था. अभी भी उल्हासनगर में 15-20 दिन पहले एक उल्हास स्टेशन पर एक बंदा इनके चक्कर में एक मैच में आके बंदा मैच पैसा हार गया नहीं दे पाया वो मर गया उनकी धमकी वगैरह से. तो प्लीज हम लोग आपको रिक्वेस्ट करें. ओमी कलानी खुद आते हैं यहाँ पर? ओमी कलानी खुद आते हैं लड़कियाँ लेकर आते हैं. उनके उनके जो अधिकारी है पंकज तलोगानी रोशन माखीजा अजीत माखीजानी ये लोग भी आए हैं 2-3 बार हमने देखा है. बिल्डिंग में फुटेज भी है आप चाहिए वो फुटेज ले सकते हो. और हम लोग इसके लिए सब बिल्डिंग से चाहिए मैं आपको साइन लेके दे सकता हूँ. और हम लोग यहाँ से बहुत परेशान है. अभी उल्हासनगर में 855 बिल्डिंग का भी बीच में हुआ था वो भी अभी भी वापस मैटर आ चुका है. कुछ वहाँ पे बचत नहीं है. वहाँ से एकदम बचने के लिए यहाँ पे आए हैं लेकिन यहाँ पे भी आए तो उनके आदमी लोग इधर आके बुक चलाते हैं. वो कभी कभी खुद भी आते हैं इधर. मतलब वहाँ के क्राइम से वहाँ से तंग आकर क्राइम्स यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं. देखिए कल उल्हासनगर के सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो देखा कि कल्याण का कोई लड़का है और वो ओमी कलानी जी जो हमारी टीम ओमी कलानी के प्रमुख है हमारे अजीत माखीजानी जी और पंकज त्रिलोकानी जी इनके ऊपर कुछ आरोप कर रहे हैं. ये पूरा एक षडतंत्र है. ये षडतंत्र के माध्यम से ओमी कलानी जी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में कैसे हम शहर से बाहर रख सकते हैं, कैसे ओमी कलानी ये शहर से बाहर हो. और आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि कोलचेवाड़ी में हमारे खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें आदरणीय ओमी कलानी जी थे, मैं था और संतोष पांडे जी थे. ये भी मामला हमारे ऊपर खोटा दर्ज किया. हमने पुलिस से मांग की कि ये मामला खोटा है. आदरणीय आयुक्त साहब ने उस मांग को देखकर क्राइम ब्रांच को गुना ट्रांसफ़र किया. उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हमने मांग की. और उस मांग के मुताबिक हमने पुलिस को बोला कि कमल भटीजा वहाँ पर आता है रात को कोलचेवाड़ी में. कोलचेवाड़ी पुलिस स्टेशन में फिरियादी के साथ में खड़ा होकर मामला दर्ज कराना. ये कहाँ नहीं तो कहाँ पर विधानसभा के चुनावी विधानसभा के अंदर एक ओमी कलानी जी को फंसाने की बहुत बड़ी षडतंत्र इस उल्हासनगर के कुछ राजनीतिक लोग और कमल भटीजा ने रची है. आज ऐसे मामला आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कमल भटीजा जी महापौर के खिलाफ हाईकोर्ट गए. हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने नहीं सुना होगा उनका तो वो बौखला गया. यही नहीं हुआ तो पिंटो पार्क की जो जगह है उस पिंटो पार्क की जगह के ऊपर आमदार मोदी जी ने और महापौर मोदी जी ने राज्य की सरकार और SDO से मांग की कि इसकी सनद रद्द की जाए. ये सरकारी प्रॉपर्टी है और जिसकी भी प्रॉपर्टी है भटीजा कमल भटीजा की उसके ऊपर MRTP के तहत मामला दर्ज किया जाए. तो इस तरीके के मामले दर्ज करने की हमने मांग की है और निष्पक्ष जांच की जाए. आज इस पत्रकार परिषद को रखकर हम पुलिस आयुक्त आदरणीय DCP साहब ACP साहब पुलिस आयुक्त से हमारी यही मांग है कि जो लड़के ने कल बाइट दी है वो लड़का शहर का चीटर है जिसके ऊपर 2.5 करोड़ रुपये का कर्जा है. उसका नाम सुमित है. यदि उस आरोपों में तथ्य है तो वो हमको आकर ओमी कलानी जी अजीत माखीजानी जी और पंकज त्रिलोकानी जी उसकी CD होगी तो वो प्रोड्यूस क्यों नहीं करता. और जब इतना ही सच्चा आदमी है तो वो मुंह पर नकाब लगाकर आप पत्रकारों के माध्यम से क्यों आता है. यदि उसके अंदर ताकत होगी यदि सच्चाई होगी
उस आरोप में सच्चाई होगी तो वो आकर शहरवासियों के सामने आए। आदरणीय ओमी कलानी जी का, उल्लासनगर के शहर के लोगों का बढ़ता प्यार, सभी चुनाव को जीतना, ओमी कलानी जी के नेतृत्व को सक्षम बनाकर लोगों ने विश्वास रखा है उनके ऊपर, और आने वाले विधानसभा में भी लोग विश्वास रखेंगे। पर कमल भटिजा जो है वो पुलिस सुरक्षा लेकर लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, और लोगों को हमारे जनादेश न्यूज़ चैनल के ऑफिस में घुस जाता है अंदर और पत्रकारों को धमकी देता है। तो हमने मांग की है पुलिस से कि ट्रेसपास का गुनाह उनके ऊपर दाखिल होना चाहिए। यही नहीं तो जो मामला हमारे ऊपर खोटा दर्ज हुआ है, वो ऐसा खोटा मामला दर्ज किया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच में चल रही है, हम निर्दोष हैं, हमको कानून पर भरोसा है। यही नहीं तो इस तरीके से पुलिस के अंदर पूरे शहर में ऐसे खोटे मामले दर्ज करने का काम कमल भटिजा करते आ रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं है इतने पर, दिलीप मिश्रा जी हमारे पक्ष के हैं और रहेंगे। आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं वो कानूनी प्रक्रिया है, वो दिलीप मिश्रा जी के परिवार से पूछे, वहाँ पर क्या हुआ है, कौन सा मामला दर्ज हुआ है, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। और एक उसमें भी कहाँ नहीं तो कहाँ पर षडतंत्र नज़र आ रहा है। ये हमारे नेताओं के ऊपर सूत्रों से हमको खबर मिली है कि ये सब नेता मिलकर ये खुद के ऊपर, अपने आप पर, अपने शरीर पर वार करके पुलिस स्टेशनों में मामला दर्ज कराएंगे। इसलिए हमने तुरंत पुलिस आयुक्त से मांग की कि कोई भी मामला दर्ज होने से पहले आदरणीय ओमी कलानी जी को पुलिस प्रोटेक्शन है, हम सभी लोगों को किसी भी नेताओं के ऊपर मामला दर्ज होने के पहले उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसके बाद कोई भी मामला दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, टीम ओमी कलानी कलानी परिवार के ऊपर बंगले पे कोई अगर काला कौवा भी आके बैठेगा ना तो उनके आरोप लगता है कि कमल ने भेजा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, गलत पे काम गलत करते जाते हैं, और मैं उनको हाईलाइट करता हूँ और मैं सच्चाई में विश्वास रखता हूँ। मेरे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कोलसावाड़ी में सेक्शन FIR 695 ऑफ 2018 मैंने जो इनके ऊपर जो दर्ज हुई है उसमें मेरा हाथ है। अगर मेरा हाथ है तो पुलिस ने पास इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कमलेश निकम, संतोष पांडे, ओमी की और इनकी सबकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सीसी कैमरा फुटिंग है। मैं जूठा सीसी कैमरा फुटेज बूठी, ऑडियो रिकॉर्डिंग जूठी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जूठी, यही सच्चे हैं। शहर में आज भी 695 FIR में कोलसाड में जी है, आज भी उसमें चार्जशीट में ओमी कलानी, संतोष पांडे और कमलेश निकम फरार आरोपी घोषित हैं, फरार आरोपी, समझते हैं। और मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है पुलिस ने उनको फरार की आरोपी घोषित किया है। ओमी कलानी के पास पुलिस संरक्षण है, पुलिस प्रोटेक्शन है, और पुलिस बता रही है कि अब ये एस्कॉर्टिंग है, फरार आरोपी है। तो पुलिस किन से, मेरे से मिली हुई है या ओमी कलानी से मिली है, पहला ये आप तय कीजिए। अगर मेरे कहने के ऊपर पुलिस FIR दर्ज करती है तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करती है, जब उन्होंने खुद घोषित किया हुआ है कि मेरे पास चार्जशीट की कॉपी है। मेरा तो बगैर पैसे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आदमी पैसे दे के अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, ये कलानी वाले खुद मेरा नाम लेके खुद मेरा प्रचार कर रहे हैं, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। आज जो दिलीप मिश्रा के घर पे रेड पड़ी है, वहाँ पे सब सामान बरामद हुए हैं, 8 मोबाइल बरामद हुए हैं, लैपटॉप बरामद हुआ है, बुकियाँ साथ वहाँ पे बैठे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग मशीन वहाँ पे जब्त हुई है, उसके बाद बुक जिसमें सब जिन्होंने बैटिंग लगाई थी वो पुलिस के हाथ है, वो क्या सब झूठे पुड़ावे है, सब झूठे हैं। खाली कालानी परिवार ही एक सच्चा आदमी है, सच्ची फैमिली है उल्लासनगर में। ये उल्लासनगर शहरवासियों को मालूम हो चुका है कि इनकी बातों में ये आने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ झूठे गाने और झूठे बुनियाद आधार पे बताते हैं, और ये अपने पप्पू कलानी के नाम पे अपनी दुकान लगा के चालू करा के बैठे हैं। कि उनको जब मालूम है कि जब उल्लासनगर शहरवासियों को जिस दिन मालूम पड़ेगा कि पप्पू जेल से बाहर नहीं आएगा, इसके लिए उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तो उसका नाम बरकरार रखने के लिए झूठे झूठे षडयंत्र, झूठे झूठे हथकंडे अपनाते हैं। ये तो जनता भली भांति जानती है कौन सच्चा है क्या नहीं है। मेरे पास कलेक्टर का और कॉरपोरेशन के कमिश्नर का मेरे पास लेटर है कि ये जो पिंटो पार्क है 1965 से हमारे, इससे पहले हमारे पोजीशन में है, वो मेरे पास कलेक्टर का लेटर है और चीफ ऑफिसर जो खन्ना थे उनका लेटर है, लीगलाइज है, रेगुलर है। जब कॉरपोरेशन का कमिश्नर और कलेक्टर बोलता है रेगुलाइज है, तो इनके कहने से ये हो जाएगा क्या,
जो गलत है, जो इरेगुलर है, वो इनका दुनीचंद कॉलेज 90 से लेके 93 तक 3 साल के लिए इनके ऊपर कॉरपोरेशन ने स्कूल चलाने को दिया था। 93 से अभी तक 2019 तक अभी तक इन्होंने लीज एग्रीमेंट रिन्यू नहीं की हुई है। कम से कम 5 करोड़ हर महीने का 61,746 रुपया महीने का उसको किराया देना है, जो आज तक उन्होंने खाली 3 लाख रुपया दिया है। अभी आप अंदाज़ा लगा लो 1990 से लेके 30 साल में 61,746 रुपये के हिसाब से 30 साल में कितना होता है। इन्होंने मात्र 3 लाख रुपये अभी तक जमा कराया है, बकाया कम से कम 4 से 5 करोड़ इनसे गवर्नमेंट का रेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशन को रेंट देना बकाया बाकी है पीडब्ल्यूडी को। आप ये खुद आमदार और खुद एमएलए हैं और खुद मेयर हैं, फर्स्ट सिटीजन के हैं, और दिन दयाल आपको शहर को लूट रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं और सच्चाई के डोंग बजा रहे हैं। और मेरे पास पिंटो पार्क है तो आप कोर्ट में जाइए, वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाइए, और मैं हाल में बहुत जल्दी पीआईएल फाइल कर रहा हूँ और दुनीचंद कॉलेज और स्कूल जब्त होंगे, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। ये मेरे शहरवासियों दावा है, डंके की चोट पे बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा और इनको जो 6 करोड़ जो उन्होंने बकाया बाकी है वो सब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो ओमी कालानी बोलता है कि मैं बावी आमदार, मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज मतलब चैलेंज CHALLENG चैलेंज करता हूँ कि आज ये जीवन भर में ओमी कालानी कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इवन MLA के तो छोड़ो, ये दुकानदार की जो पंचायत की इलेक्शन रहती ना शॉपकीपर की, वो भी नहीं लड़ पाएगा। मैं आपको बता वचन का दावे के बाद बोल सकता हूँ, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा मतलब नहीं लड़ पाएगा। अभी हाल में ज्योति कालानी ने हाउस में मुद्दा रेज किया था कि उल्लासनगर में क्राइम रेशियो बहुत बढ़ गया है। अभी क्राइम रेशियो बढ़ गया है तो TOK के कम से कम मेरे पास 15 आदमी की 18 आदमी की लिस्ट है जो पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर बेशुमार गुनाह दाखिल हैं। मसलन हो गया एक हरीश सिंह, शहद फाटक का रहने वाला, उसका 8 गुनाह बाकी है, गुनाह दाखिल है, TOK का पदाधिकारी है। अभी सरपंच का मर्डर किया हुआ है सतारा में, और मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में 18 लाख की लूट में वांटेड है। वही केस में अजगर वो जो है एक TOK का मेंबर है, पदाधिकारी है, वो भी उस केस में शामिल है। हरदीप सिंह जो तड़ीपार है, वो तड़ीपार था, उसको उल्लासनगर मतलब ये कोलसवाड़ी पुलिस स्टेशन गुना में उसको पुलिस ने पकड़ा है, उसकी CCTV कैमरा फुटेज बाकी है, ये क्या सब झूठ है। उसके अलावा कमलेश निकम जो खुद प्रवक्ता है, उसके ऊपर बेशुमार गुनाह दाखिल हैं। बाद में ये आपका सनी तेलकर, गुड्डू राय, चन्नी सिंह, करण तलरेजा, रोशन माखीजा, संतोष पांडे, शंकर वैदी, अरविंद सिंह बादशाह, उसको अभी तो MPD में नासिक जेल में बंद है, उसके ऊपर कम से कम 10 गुनाह दाखिल हैं। पंकज तिलोकानी के ऊपर 420, दिलीप मिश्रा के ऊपर खुद पहले 2 केस थे, अभी ये तीसरा केस हुआ है, सुंदर मोलियादार, इतने ये कहाँ से ये क्राइम, ये जो है सब TOK पद है, बेशुमारों के ऊपर क्राइम है। 855 बिल्डिंग का जो मुद्दा है वो किसकी देन है? 20 रुपये फुट लिए जो दिया गया वो किसकी देन है? आज ये जो बता रहे हैं कि हम राजा हरिश्चंद्र हैं, तो ये पूरे उल्लासनगर को बर्बाद करने वाला कौन है? 20 रुपये फुट के लालच में इतना उल्लासनगर को एक जंगल बना दिया। जो दावा करते थे हम लोग सिंगापुर बनाएंगे उल्लासनगर को, सिंगापुर तो छोड़ो, बदलापुर से भी बदतर हालत की हुई है, और वापस जब दोबारा अभी इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं, तो आम जनता को ये सोचना चाहिए कि जिसने शहर की बर्बादी की हुई है अपने 20 रुपये फुट के ऊपर, ये नंदलाल कमीशन की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कि इन्होंने कालानी परिवार ने 20 रुपया फुट के ऊपर लिया हुआ है और आज वापस वो वोट मांगने के आ रहे हैं। ये जो दुर्दशा हो रही है शहर की, ये किसके बदौलत है? सिर्फ एक कालानी परिवार के बदौलत है। मेरे शहरवासियों से निवेदन है कि आने वाले विधानसभा में होशियार हो जाइए, एक निष्पक्ष आदमी को वोट दीजिए जो उल्लासनगर की तरक्की करा सके और अपने क्राइम को यहाँ से उल्लासनगर से हटा सके। और पप्पू के ऊपर ऐसा 8 तारा लगी थी, हालांकि वो सब सेट असाइड हो गई। ये उल्लासनगर का पूरे इंडिया का इतिहास है, पूरे इंडिया का इतिहास है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर 8 ताड़ा लगी हुई है, ये आज तक रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इसका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए और येलो पेजेस में आना चाहिए, जिन्होंने उल्लासनगर का नाम इतना बड़ा रोशन किया है 8-8 ताड़ा लगने के बावजूद भी।